अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बी फोर बाइट्स पर, जो कि दोरा जी की फूड स्ट्रीट पर मौजूद है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहे और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 15 साल। अच्छा, और ये शॉप खुले हुए कितना टाइम हुआ आप लोगों को? इस शॉप को खुले हुए 1.5 साल। 1.5 साल हुआ है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें मतलब आप लोग बनाते हैं यहाँ पे? जितने दुकान की चीज़ें टोटल मैं बनाता हूँ। अच्छा, थाली चाट का सामान वगैरह मैं बनाता हूँ, भोले कंडे का सामान मैं बनाता हूँ, खौसे वगैरह का सामान मैं बनाता हूँ। अच्छा, जो चिकन मेमनी खौसा है, बर्मी खौसा है, फ्राई खौसा है। अच्छा, मतलब सारे आइटम जो है मैं सबको तैयार करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ आपसे ऑर्डर पर बनवाना चाहें तो आप बना सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। ऑर्डर भेज सकते हैं? जी जी। अच्छा, अच्छा ये क्या है भाई? ये कड़ी है। अच्छा, ये खट्टे आलू है। खट्टे आलू है ये। अच्छा, कितना टाइम हुआ इस चीज को, ये डिश बनाते हुए आप लोगों को? 2-2.5 साल। अच्छा, ये कितने बंदे खा सकते हैं आराम से, ये बताइए जरा। ये 2% 3% आराम से खा सकते। अच्छा, ये क्या डाला है आपने? ये दही के ऊपर ही आपने मुख्य डाला मसाला? मसाला दही में डाल डाले या चाट? अच्छा, इसके बाद आने खट्टा पान। खट्टा पान। अच्छा, इसमें आप जो है अपना मीठी चटनी वगैरह ऐड नहीं डालते हैं? वो ऐड नहीं करते इसमें? सारे एक साथ हम बना के देते, पहले सेपरेट देते थे। अच्छा, तो काफी कस्टमर इतराज करते थे। अच्छा, ये ना इसमें काफी टाइम लग गया था, तो इसलिए हम खुद बना दिए। अच्छा अच्छा, डिश का नाम क्या है? ये थाली चाट। थाली चाट, इंडियन थाली चाट भी कहते हैं इसको? इंडियन थाली चाट। ये आइटम सारे इंडिया से ही हैं, भेल पूरी और ये थाली चाट वगैरह। देख लें नाजरीन, ये थाली चाट रेडी हो रही है और अभी थोड़ी देर में मैं आपको उसका टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। अच्छा, ये क्या है? ये मीठी चटनी, आप देख सकते हैं, मीठी चटनी इस पर ऐड करिए। रेडी हो गई है, टॉपिंग होगी। अच्छा, टॉपिंग ये निम्को की होती है इस पर? बेलपूरी। अच्छा, बेलपूरी की टॉपिंग हो रही है।
चार्ट पेपर से हो रहा है, सही ठीक हो गया। रेडी हो चुकी थी आपको बिल्कुल भी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। भेलपुरी का टेस्ट बड़ा असम है लेकिन स्पाइसी है बहुत ज़्यादा, आप लोग देख वाले खाइएगा, जो ज़्यादा मसाले वाले हैं तो वो नहीं खा सकते ज़्यादा मसाला, तो वो एहतियात करें, और खट्टे आलू खा के देता हूँ। बहुत खट्टा है, कई से भी ज़्यादा खट्टा है, ये आप डाल के उसमें खाएं पानी पूरी में, पानी पूरी के साथ खाएंगे तो आपको उसका बहुत मजा आएगा, मजा आ गया। आप लोग आए इधर और इधर आप टेस्ट करें, और हमें कमेंट में भी पता है इसका थाली का टेस्ट कैसा है, बट मेरा जहाँ तक ख्याल है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और बाहर बारिश भी हो रही थी तो मज़ा आ गया, बारिश के मौसम में खाते बेहतरीन हो गया। आप लोग आए इधर इधर का विजिट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।